शुरू करें पॉल्ट्री फार्म का बिजनेस, सरकार करेगी 75% पैसे का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पॉल्ट्री फार्म का बिजनेस सरकार करेगी 75% पैसे का सपोर्ट। आज हम आपको एक बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और कैसे कमा सकते हैं इसका प्रूफ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बस आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए जिससे कि आप देख पाए हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो पहुंच सके किसी जरूरतमंद के पास। दोस्तों बता दें कि पोल्ट्री फार्म का बिजनेस सरकार करेगी 75% पैसे का सपोर्ट। आइए जानते हैं, विंटर सीजन शुरू हो चुका है। इस सीजन में अंडे और चिकन की डिमांड बढ़ जाती है। यही वजह है कि पोल्ट्री बिजनेस करने का भी ये बहुत सही समय है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पोल्ट्री बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें सरकार भी पूरा सपोर्ट करती है। सरकारी एजेंसी नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा पोल्ट्री बिजनेस का पूरा सपोर्ट किया जाता है। बस आपको इसके बारे में कुछ बारीकियां पता होनी चाहिए। हम आपको न केवल ये बताएंगे कि ये बिजनेस कैसे किया जा सकता है, बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे आप नाबार्ड से सपोर्ट भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पोल्ट्री बिजनेस दो तरह का होता है। यदि आप अंडों का बिजनेस करना चाहते हैं या चिकन का, यदि आप अंडे का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको लेयर मुर्गियां पालनी होगी, और आप चिकन का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ब्रायलर मुर्गियां पालनी होंगी। कितने में शुरू होगा ये बिजनेस? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्रोजेक्ट्स के मुताबिक, यदि आप पोल्ट्री ब्रायलर फार्मिंग करना चाहते हैं और कम से कम 10,000 मुर्गियों से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, जबकि बैंक आपको लगभग 75 यानी कि 27 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। यदि आप 10,000 मुर्गियों से पोल्ट्री लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको 10 से 12 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है। बैंक से आसानी से लोन लेने के लिए नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस की सहायता भी ली जा सकती है। कितनी होगी कमाई? नाबार्ड के मुताबिक एक स्वस्थ चूचा 16 से 18 रुपए में मिल जाता है, और ब्रायलर चूचा अच्छा व पौष्टिक आहार मिलने पर 40 दिन में 1 किलोग्राम हो जाता है, जबकि लेयर ब्रिड के चूजे 4 से 5 महीने में अंडे देना शुरू कर देते हैं और औसतन 1.5 साल तक लगभग 300 अंडे देते हैं। नाबार्ड के मॉडल प्रोजेक्ट के मुताबिक ब्रायलर फार्मिंग में आप लगभग 70 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं, जबकि आपका कुल खर्च 64 से 65 लाख रुपए तक हो सकता है, जिसमें चूजे की खरीद, दाना, दवाइयाँ, इंश्योरेंस, शेड का किराया, बिजली का बिल, ट्रांसपोर्टेशन आदि शामिल है। यानी कि आप 4 से 5 महीने में लगभग 15 लाख रुपए कमाई कर सकते हैं। कितनी होगी अंडों से कमाई? यदि आप 10,000 मुर्गियों से ब्रायलर फार्मिंग का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप पहले साल में लगभग 35 लाख रुपए का अंडे बेच सकते हैं। साथ ही 1 साल बाद मुर्गियों को चिकन के लिए बेच दिया जाता है, इससे लगभग 5 से 7 लाख रुपए की आमदनी होगी, जबकि कुल खर्च लगभग 25 से 28 लाख रुपए होगी, और साल भर में 12 से 15 लाख रुपए प्रॉफिट कमा सकते हैं। आगे के सालों में आपकी कैपिटल कॉस्ट कम हो जाती है। बिजनेस के लिए कितने स्पेस की जरूरत होगी? पोल्ट्री फार्मिंग के लिए स्पेस की खास जरूरत होती है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि आप किसी विकसित इलाके में ही पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि आपके लिए महंगा साबित हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि पोल्ट्री फार्म शहर के निकट ही हो और वहाँ तक वाहनों का आना जाना आसान हो। कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मुर्गियों से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। माना जाता है कि एक मुर्गी को कम से कम 1 वर्ग फुट की जरूरत पड़ती है, और यदि ये स्पेस 1.5 वर्ग फुट हो तो अंडों या चूजों के नुकसान की आशंका काफी कम हो जाती है। इसके अलावा फार्मिंग ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहां बिजली का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा नया बिजनेस आइडिया? यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके नए नए और अच्छे अच्छे सुझाव वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी करें, साथ में इसके बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो आप आसानी से देख पाए। धन्यवाद।